हाय गाइज़ में लेके आई हूँ आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट प्लीज यू सब्सक्राइब कर लेना गाइज़ देखिए सभी फैंस शहनाज की तबीयत के बारे में जानना चाहते हैं कैसी हैं वो एक झलक उन्हें देखना चाहते हैं जी हाँ सिद्धार्थ को गए हुए एक महीने से ज़्यादा हो गया है देखिए शहनाज की कोई पिक नहीं आई है किसी ने नहीं देखा है कैसी हैं वो लेकिन गाइज कल ही देखिए कल जो है शहबाज की कुछ पिक्स आई शहबाज ने कोई पोस्ट नहीं किया था मैं आपको बता दूं गाइज शहबाज सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते थे लेकिन वो कोई पोस्ट नहीं करते हैं ना ही कोई ट्वीट करते हैं लेकिन कल उनकी पिक्स आई कुछ उनकी हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइज फैमिली पर क्या बीत रही है जी हाँ सच में जब शहबाज का ये हाल है तो आप शहनाज का सोचिए जी फैंस भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए शहबाज को देखकर मैं आपको उनकी कुछ पिक्स दिखा देती हूँ उन्होंने पोस्ट नहीं की थी शायद वो जो उन्होंने टैटू बनाया है उसकी सिटिंग के लिए गए होंगे देखिए ये हैं वो पिक्स जो आई हैं ये शहबाज आप खुद देखिए गाइस शहबाज काफी हेल्दी थे आपने देखा होगा उनकी पिक्स आती रहती थी उन्होंने फोटोशूट भी कराया था मुंबई में उसकी भी पिक्स थी काफी हेल्दी थी लेकिन आज आप उनके चेहरे से ही देखिए बहुत वीक लग रहे हैं मतलब पहले से उनका काफी वेट लूज हो गया है उनका चेहरा देखिए आप जिस चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी कैसे गाल थे उनके मतलब आप देखे हैं ना अपने पहले और अब कैसे हो गए हैं जी हाँ तो गाइस वो ही सोच के फैंस इतने इमोशनल हुए कि जब शहबाज का ये हाल है तो आप शहनाज का सोचिए जी हाँ ऐसा नहीं है कि गाइस शहनाज की हेल्थ ठीक नहीं है या वो ठीक से खा पी नहीं रही है लेकिन एक बात होती है ना कि देखिए अगर आप थोड़ा भी खाएं लेकिन मन से खाएं तो आपकी हेल्थ को लगता है आप ठीक रहते हैं लेकिन गाइस अगर आपका मन ही ठीक नहीं है तो वो चीजें दिखती हैं वो हेल्थ पर असर डालती हैं और वो दिख रहा है शहबाज के भी और इसीलिए फैंस इमोशनल भी हैं शहनाज को लेकर जी हाँ प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए थैंक यू गाइज